के जो हिस्से हैं वहां पे वो शॉट्स ले रहे हैं, और अगर उनके टायर्स वगैरह फोड़ दे या कुछ डैमेज दे दे तो वीरू यहाँ पे जोन के अंदर आने में सक्षम नहीं होंगे। फिलहाल ओवेस ने यहाँ पे नेट के साइको को नॉक कर दिया, ओवेस को उन्होंने पहले नॉक किया था बट इस बार ओवेस काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुके, आई पूल को भी नॉकआउट कर चुके, दो प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक इन करके यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करी। एक अच्छा मौका है टीम फनाटिक के पास अपने लिए जो मिरामार के जो किल्स है यहाँ पे बतौर सके, क्योंकि 9 टीम्स अभी भी बचे हैं बट अभी तक उनके सिर्फ एक ही किल कंफर्म हुए, और फनाटिक के ओवेस यहाँ पे तीनों के तीनों किल्स निकालते हुए अकेले ही पूरी की पूरी टीम नेट को वाइप आउट करती हुई, और स्काउट भी वहां पे गॉडल एग्जिस्टेंस को भी नॉक कर चुके हैं, और किल भी यहाँ पे स्नैक्स का शिकार हो चुके हैं। यस सामने रीच पे आया एंड आई थिंक यहाँ पे तो कुछ एक नेट्स आएंगे एंड वाडूसर पे काफी दिक्कतें आ सकती है, और टीम तमिलास के कैरी ने यहाँ पे फनाटिक के एश को नॉक कर दिया बट स्काउट विल बी देयर फॉर द ट्रेड ऑफ यहाँ पे कैरी को नॉक करते हुए। टीम तमिलास के स्ट्राइकर काफी ज्यादा लो एचपी पे आ चुके हैं और स्काउट कभी भी किसी भी मोमेंट पीक इन कर सकते हैं, और यस पीक करके यहाँ पे स्ट्राइकर को भी नॉक कर चुके टीम फनाटिक, बहुत ही प्यारा कंपाउंड होल्ड करती हुई तीन टीम्स यहाँ पे बचे, और टीम तमिलास की स्क्वाड बहुत ज्यादा दिक्कत में लग रही है। मैंटी के ऊपर फिर से भार आता हुआ अपने टीम का, देखना पड़ेगा कि मैंटी क्या लास्ट तक सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि किल्स अच्छा खासा इन्होंने निकाल रखा है, बस अभी पोजीशन के लिए खेलना पड़ेगा, और काइंड ऑफ इन द ओपन यहाँ पे लेटे पड़े किसी भी मोमेंट यहाँ पे स्पॉट किए जा सकते हैं। स्काउट के पास बहुत सारे एडवांटेजेस है, पहले तो गिली सूट भी है उनके पास बट अभी इतने छोटे सर्कल में इतना ज्यादा नीड नहीं रहेगा। टीम तमिलास के मैंटी ने यहाँ पे फनाटिक के एश को जरूर नॉक तो कर लिया है बट एट द सेम टाइम अपना पोजीशन जो है वो रिवील करते हैं, और रौनक यहाँ पे कोशिश करेंगे इसका फायदा उठाने के लिए। रौनक ने पीक लेने की प्रयास करी थी बट एट द सेम टाइम मेड श्योर कि वो उनके ऊपर शॉट्स ले, बट एनीवेज रौनक स्टिल कमिंग आउट ऑन टॉप। इसी के साथ टीम फनाटिक ने यहां पे टीम तमिलास को वाइप आउट कर दिया, तो फाइनली ये जो फाइट होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ 4v3 फाइट। तो टीम डेड आइज की स्क्वाड अभी है, तीन प्लेयर्स उनके बचे अभी तक, टीम फनाटिक के चारों धुरंधर अभी भी जिंदा है, और फनाटिक जिस लय में चल रही उन्होंने भी बहुत ही प्यारे 10 किल्स निकाल रखे हैं, और इल्यूजन सर के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, शायद जोन के बाहर है और प्लेयर जोन से मर चुके हैं, तो अभी टीम फनाटिक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, दो प्लेयर्स बचे हैं उनको ऑलरेडी संकेत मिल चुका होगा और अभी पुश करना चाहेंगे। देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ स्मोक्स डाल रखे हैं, ओवेस ने बहुत अच्छा एंगल ले रखा है और लेजी सर कोशिश करेंगे कि इल्यूजन सर को पुश इन करें बट यहाँ पे वाडू सर ने अब यहाँ पे नॉक कर दिया है इल्यूजन सर को, और लेजी सर आई गेस लेजी सर अभी भी जिंदा है, ओवेस नॉकआउट हो चुके, रौनक ने वहां पे वाडू सर को नॉक किया, आश ने यहाँ पे अच्छा खासा कोशिश करा था बट टीम फनाटिक इंस्टेंटली ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए चली गई, और लेजी सर अकेले बचे थे और उनको आई गेस टीम फनाटिक के रौनक ने फिनिश कर दिया, और टीम फनाटिक टेकिंग दैट चिकन डिनर येट अगेन। व्हाट अ लास्ट मोमेंट हर्ट स्टॉपिंग क्लच था ये, हस्तर को भी फिनिश ऑफ कर दिया। फनाटिक स्काउट को यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा, थोड़ा सा डैमेज ले सकते हैं, स्लेयर के साथ फाइट हो सकता है, उनको वही डर रहे क्योंकि उतरते टाइम जो डैमेज होगा वो बहुत ज्यादा भारी होगा बट स्काउट ने यहाँ पे स्लेयर को नॉक कर दिया, और आई डोंट नो रौनक वहां पे शॉट्स दे रहे थे, स्काउट इंस्टेंट उतरे और हेड पे कनेक्ट किया और इंस्टेंटली फिनिश कर दिया, रॉसिस ने वहां पे शिफु सर को नॉक कर दिया। तीन टीम बची है, टीम ऑरा वर्सेस टीम डेटाइज वर्सेस टीम फनाटिक, ये मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है। रॉसिस यहां पे एश पीछे से सपोर्ट का बहुत ही प्यारा रोल करते हुए, रौनक एक नॉक निकालते हुए डी के शिफु सर पे एंड यहां पे ऑरा के स्टीव जोन के बाहर फंस चुके हैं, शिफु सर जोन के बाहर आई थिंक एलिमिनेट हो जाएंगे, वाडू सर को रौनक स्पॉट कर रखे हैं एंड वो कंफर्म मैच है, डिपेंड करता है वाडू सर उसको किल देगा या नहीं देगा एंड वाडू सर चोज नॉट टू डू दैट। इट्स अ 3v1 एंड इट्स गोइंग इन फेवर ऑफ फनाटिक, रौनक एंड स्काउट लीडिंग द चार्ज फॉर देयर टीम एंड दोनों ही प्लेयर्स मूव इन करना चाहेंगे, स्टीव वहां पे शॉट देने की कोशिश बट इट्स अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, इससे कुछ होना नहीं है खास, रौनक को पिक ऑफ कर लिया स्टीव ने बट नो प्ले जोन का शिकार आते हुए टीम फनाटिक चिकन डिनर लेते हुए PMPL Screams के सीजन 3 के वीक 2 के लास्ट गेम में, एंड बहुत ही बेहतरीन गेम, सब कुछ उनके फेवर में था, 10x10 ओवेस का अर्ली लॉस उनको हर्ट नहीं किया बिकॉज दे आर सच अ स्टार स्टडेड टीम, एंड क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रौनक और एश की तरफ से सपोर्टिंग स्काउट टू स्टे एट द फ्रंट एंड टेकिंग दोस किल्स। यस स्काउट का आई गेस मैं फनाटिक जो जीती है।